एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन के अपने मन में कोई मर्जी एग्जाम्पल सोच लो, जैसे मैंने तीन सोच लिए, ऐसे तो 300-3000 होते होंगे दुनिया में, कुछ भी। तो मैंने सोचा कि मैं मीन पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ से चलता हूँ 0.1, 0.2, मेरी डिस्प्लेसमेंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करते करते 1 हो जाती है एक्सट्रीम पे, फिर मैं वापस आता हूँ 1.9, 0.5, 0.2 करते करते 0 पे आ जाता हूँ, फिर मैं उल्टी तरफ आता हूँ -0.1, -0.2 करते करते -1, और फिर मैं उल्टा आके यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। तो मेरा एक चक्कर पूरा हो गया। और ऐसा करने में मैं कितना समय लेता हूँ, मैं कैपिटल टी टाइम लेता हूँ, कैपिटल टी। मैं फिर जाता हूँ 1, 2, 3, 4 कैपिटल टी, मैं फिर जाता हूँ 1, 2, 3, 4 कैपिटल टी। तो ये मोशन क्या कहलाई जाएगी, पीरियोडिक मोशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पीरियोडिक मोशन होगी इसमें, ठीक है। अब इसमें ये पीरियोडिक मोशन है, इस पीरियोडिक मोशन में यहां से यहां जाने का समय टी बाय फोर है, तो मैं कॉन्स्टेंट स्पीड से चलूंगा, टी बाय फोर है, टी बाय फोर है, टी बाय फोर है और टी बाय फोर है, तो टोटल टाइम क्या हो गया टी। तो कैपिटल टी मेरा टाइम पीरियड है। चलो फिर शुरू करते हैं। इस बार मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया, मैंने एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा दिया। ये ब्लॉक कहाँ पर है, अपनी मीन पोजीशन पे है। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ब्लॉक को यहाँ लेके जाता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और पूरा एक चक्कर हो गया। एक चक्कर को बोलते हैं एक रेवोल्यूशन हो गया या एक राउंड हो गया। टाइम टेरर मेरा कैपिटल टी है। मैं फिर जाता हूँ 1, 2, 3, 4 कैपिटल टी, फिर जाता हूँ 1, 2, 3, 4 कैपिटल टी। तो ये स्प्रिंग मास मोशन मैंने क्या इमेजिन किया, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। तो यहां से यहां जाने का टाइम t/4, 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 t/4। तो मेरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसमें 1 मीटर है, उसमें भी 1 है, इसमें भी 1 ले ली। फिर कहा किसी ने कि सर तीसरा एग्जांपल ले लो, लो तीसरा ले लिया। तो एक मैंने पेंडुलम ले लिया, पेंडुलम में यहां से स्टार्ट होता हूं, इधर जाता हूं t/4, वापस आता हूं t/4, इधर आता हूं t/4, वापस आता हूं t/4। टोटल टाइम क्या हो गया, तो t/4, 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 t/4। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ती है 0, 1, 2, 3, 4 करके 1, फिर घटती है 0, फिर -1 और फिर 0। तो क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, मैंने तीन एग्जांपल लिया, तीनों के तीनों आर पीरियोडिक इन नेचर। नॉन पीरियोडिक मोशन को तुम स्टडी भी नहीं कर सकते, मैंने बताया। तो कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, कोई डाउट इसमें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दुनिया की कोई पीरियोडिक मोशन है, कोई मर्जी एग्जाम्पल ले लो, मैं कहता हूँ ये 3 की जगह 3000 एग्जाम्पल ले लो, आप अपने मन में, मैंने ये नहीं कहा कि असली में, अपने मन में कंपेयर करें इस मोशन को विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको कंपेयर करें मन में विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको क्यों भाई, क्या पड़ी है, सड़क पे चल रहे हैं, पीरियोडिक मोशन क्यों मन में इमेजिन करूँ सर्कल में, क्योंकि हमें एक पीरियोडिक मोशन के रिजल्ट्स पता हैं, और कौन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका चैप्टर हम करके आए हैं। हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कैसे कंपेयर करें, ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करने का स्टाइल देखें, कंपैरिजन का ये स्टाइल है, आप जैसे ये एग्जांपल लें, जो भी मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं अगर मान लो मीन पोजीशन पे हूं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है इसमें, 0। फिर मैं यहां पे हूं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है इसमें, मान लो 1। फिर मैं वापस आ गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से क्रॉस करता हुआ 1, 2, 3 और 4 -1, ऐसे ही है। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, देखो अभी इंपॉर्टेंट है, जब मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, तो इमेजिन करो कि कोई बॉडी कॉरस्पॉन्डिंगली सर्कल में मूव कर रही है, तो मैं एक्चुअल में तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट सर्कल में शो करना है। कैसे, जब मैं यहां पे हूं तो सोचो मैं यहां पे हूं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। फिर जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, ये देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, तो ये 1 हो गई। फिर मैं क्या करता हूं, मेरी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है, क्योंकि मैं यहां पे 1 पे आ चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो चुकी है, 1, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, 0। तो अब मैं वापस आ रहा हूं 1.5, 0.4, 0.2 करते करते 0। देखो 1,
पॉइंट नाइन, पॉइंट फाइव, पॉइंट फोर, पॉइंट टू करते करते वापस जीरो। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, माइनस वन पे, तो माइनस जीरो पॉइंट वन, माइनस जीरो पॉइंट टू, माइनस जीरो पॉइंट फाइव करते करते माइनस वन। फिर मैं वापस आऊँगा तो माइनस वन, माइनस पॉइंट नाइन, माइनस पॉइंट फाइव, माइनस पॉइंट टू और जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे कंपेयर किया समझ में आ रहा है? एक ही बात है ना, आप ऐसे ले रहे हैं कि जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो, मैं ऐसे ले रहा हूँ जीरो वन जीरो माइनस वन और जीरो। तो आप ऐसे लेते हैं, मैं अगर यहाँ से वहाँ जाता हूँ एक्सट्रीम पे, टाइम टेकन टी बाई फोर, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना टी बाई फोर। फिर मैं वापस आता हूँ मीन पे, अगेन टी बाई फोर। फिर मैं इधर जाता हूँ टी बाई फोर, फिर वापस आता हूँ टी बाई फोर, तो पूरा चक्कर कैपिटल टी में पूरा हो जाता है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या कर। अच्छा पेंडुलम ले लो, कोई ले लो पेंडुलम ले लो, पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जीरो। फिर यहाँ एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इमेजिन कर लो कितनी हो गई, वन। तो यहाँ से आते 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 डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉइंट वन, पॉइंट टू, जीरो पॉइंट फाइव करते करते वन। ये देखो पेंडुलम जब यहाँ पे है, पेंडुलम जब यहाँ पे है तो सर्कल में यहाँ पे है, पेंडुलम यहाँ पे आ गया तो पेंडुलम देखो यहाँ पे आ गया, वन होगी मैक्सिमम। पेंडुलम वापस आ गया, पेंडुलम वापस आ गया जीरो पे। पेंडुलम माइनस वन पे चला गया, पेंडुलम माइनस वन पे चला गया। पेंडुलम माइनस वन से जीरो आ गया, माइनस वन से जीरो आ गया आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब कोई मर्जी सर्कुलर मोशन ले लो, उसमें सेम सर्कल के ऐसे डायग्राम बनना है, वैल्यूज रिपीट होनी होनी है। अब कोई कहता है सर आप पेंडुलम को हमेशा वन मीटर तक क्यों लेके जाते हो, या ऐसा बोला उसने कि सर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो से पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, मैक्सिमम कितनी हुई, वन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम है एम्पलीट्यूड। लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, पहला पॉइंट लिखो फॉर्मूला रजिस्टर में कि साइन एंड कॉस फंक्शंस को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या है जिनमें साइन या कॉस आता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है यहां तक, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो मैंने अपने ऊपर एग्जांपल्स में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया, वन, तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, जरूरी नहीं है कि पेंडुलम हमेशा वन मीटर तक ही जाए। भाई तुम्हारा पेंडुलम पांच मीटर तक जा रहा है, दस मीटर तक जा रहा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर पांच मीटर तक जा रहा है तो एम्पलीट्यूड पांच, 10 मीटर तक जा रहा है तो एम्पलीट्यूड 10। तो एम्पलीट्यूड को इन जनरल किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। अगर तो 1 मीटर तक जाता है तो रेडियस इसका 1 बनाना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। पर अगर ए तक जाता है तो मैक्सिमम रेडियस क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। 5 मीटर तक जाता है तो मैक्सिमम इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 5। तो जो रेडियस है सर्कल का वही एम्पलीट्यूड है, सही है, जो रेडियस है सर्कल का वही एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड लिखते हैं, और जरूरी नहीं कि हमेशा वन हो। तो इसमें आप ए भी ले सकते हैं, तो टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर मैंने बता दिया। जैसे आपका एग्जांपल है कि अगर मान लो आपके पास एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता है और कितनी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर करता है, फाइव, जीरो, वन मीटर, टू मीटर, थ्री मीटर, फोर मीटर, फाइव मीटर। तो ये देखो जब ये यहाँ पे है, पेंडुलम जब यहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो इंक्रीज होता होता पांच मीटर, इंक्रीज होता 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 पांच मीटर, फिर पांच मीटर से जीरो मीटर, पांच मीटर से यहां से यहां से जीरो मीटर, फिर जीरो मीटर से माइनस पांच मीटर, जीरो मीटर से माइनस पांच मीटर, फिर माइनस पांच मीटर से जीरो मीटर, माइनस पांच से यहां पर जीरो मीटर। ठीक है यहां तक। तो एक मीटर है तो एक मीटर का रेडियस बना लो, पांच मीटर तो पांच मीटर का रेडियस बना लो। ठीक है, तो ये टी बाय फोर, टी बाय फोर, टी बाय फोर और टी बाय फोर, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अब बुक्स में जो चैप्टर स्टार्ट है वो यहाँ से अब स्टार्ट है। मतलब ये जो थ्योरी है ना, ये मैंने लिखी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि कोई किताब में से निकल के आएगी।
मेरी अपनी विजुलाइजेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि सर्कुलर या पीरियोडिक मोशन को अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब बुक्स यहाँ से स्टार्ट करती हैं, लोग कर भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, पर आपको ना वो आइडिया समझ में नहीं आ पाता अगर आपको स्टोरी ना पता हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप बस मुझे एक चीज़ बताओ कि सपोज करो, ठीक है, सपोज एक पेंडुलम लेते हैं। चलो ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। जब एक पेंडुलम मीन पोजीशन पे है यहाँ से चलता है तो यहाँ पे टाइम अभी क्या है, स्मॉल टी, जीरो। कैपिटल टी का मतलब होता है एक चक्कर का टाइम, कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम है, स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है। क्या अभी घड़ी में टाइम क्या हुआ है, स्मॉल टी, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो जीरो, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं साइमल्टेनियसली इसे विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बताओ यहां पे होने का मतलब, यहां पे होने का मतलब यहां पे होना, क्लियर है। तो मेरी जर्नी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो यहां से स्टार्ट होती है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है। मैं किसी भी पीरियोडिक को जब कंपेयर करता हूं तो अपने मन में एंटी क्लॉकवाइज ही चलाता हूं, तो मीन का मतलब मैं यहां पे हूं, कोई डाउट। एट टाइम स्मॉल टी, टी बाय फोर मैं कहां पे हूं, एक्सट्रीम पे हूं, सही है। और मेरा एम्पलीट्यूड सपोज क्या हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या हो चुकी है, ए। तो बोलो सर्कल में मैं कहां पे हूं, टी बाय फोर टाइम के बाद मैं यहां पे हूं और मेरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है, ए। कोई डाउट इसमें। ये जरूरी तो नहीं कि पेंडुलम या कोई भी बॉडी मीन या एक्सट्रीम पे मिले आपको। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी टाइम पे आपका पेंडुलम रास्ते में यहां पे था, यहां से यहां आया एट टाइम स्मॉल टी, रास्ते में इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले ली मैंने एट टाइम स्मॉल टी, यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वाई, वाई ले लो क्योंकि ए तो हो नहीं सकती, ए तो तब होगी जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। अभी वाई ले लेते हैं कुछ भी इंजन, तो वाई की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अगर मैं मीन से कहां जा रहा हूं, एक्सट्रीम, तो y की वैल्यू इसका मतलब बढ़ रही है, सही है। तो बोलो सर्कुलर मोशन में कहां कोऑर्डिनेट बनाऊं, मैं कहां पे हूं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट में तो जीरो यानी कि यहां पे ले लूं कहीं पर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे टाइम कितना है, स्मॉल टी, ये टाइम क्या है, स्मॉल टी, तो यहां पे, यहां पे मैं यहां पे हूं और मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y, क्योंकि मैं y के साथ कंपेयर करता हूं डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। तो उस पोजीशन पे होना और यहां होना एक ही बात है। अब ये बताओ ये जो एंगल है, ये देख रहे हो एंगल, ये ना सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हमने सर्कुलर मोशन में भी डिस्कस किया था, ये स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, ओमेगा टी, स्टैंडर्ड है ओमेगा टी। लोग भूल जाते हैं, मैं याद करा दूं ऐसा क्यों होता है। सोचें अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट होके वापस आ रही है तो टाइम टेकन कैपिटल टी, सेंटर पे एंगल कितना कवर हो जाएगा, 2 पाई, एक चक्कर में सेंटर पे एंगल कितना है कैपिटल टी टाइम में, 2 पाई एंगल है, ठीक है, एक चक्कर हो गया तो 2 पाई हो गया। अगर 1 है तो कितना है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी टाइम पे किसी भी टाइम पे एंगल क्या बनेगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। लेकिन सर्कुलर मोशन में ये क्या होता था, ओमेगा टी। तो ये रीजन है हम ओमेगा टी क्यों लेते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, मतलब ये आए ना आए, आप अगर भूल भी जाएं तो ये तो याद ही करना है कि ओमेगा टी ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, बातें खत्म है, ठीक हो गया ओमेगा टी, क्लियर है। तो मैंने ओमेगा टी बना दिया, रेडियस क्या चल रहा है इसका, ए चल रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ ओमेगा टी क्या हुआ, वाई डिवाइडेड बाई ए। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये ए फॉर एम्पलीट्यूड है और स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम में। तो यानी कि कंपेयर करने से ये फायदा हुआ कि आप किसी भी वक्त मुझसे पेंडुलम का वाई पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला पेंडुलम्स के लिए या किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए वैलिड है। आप में से ये पूछे कि 700 सेकंड के बाद पेंडुलम का वाई क्या होगा, मैं स्मॉल टी को 700 पुट कर दूंगा, वाई आ जाएगा। 600 के ऊपर क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, मैं टाइम को 10 दिन पुट कर दूंगा, वाई आ जाएगा। तो ये कमाल की चीज आई कि वाई की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज। और ये सर्कल के साथ कंपेयर करके हमने उसका क्या बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो इसमें आप चेक करें ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
ये ओमेगा टी, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम स्मॉल टी, ये डायग्राम बना दिया मैंने और मैं बता भी दिया कि रीज़न ये ओमेगा टी क्यों लेते हैं, क्योंकि कैपिटल टी टाइम में एंगल कवर्ड सेंटर पे टू पाई है, वन पे इतना, स्मॉल टी पे इतना। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाता, आप तो याद ही कर लोगे ओमेगा टी, तो आप यहाँ पे ओमेगा टी पुट करके ये इक्वेशन निकालते हैं। अब ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दुनिया की किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए वैलिड है। मैं चाहे सड़क पे चल रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था स्प्रिंग मास सिस्टम है उसके लिए लगा लो, या पेंडुलम के लिए लगा लो, किसी के लिए भी लगा दो, क्योंकि आप अपने मन में उसे कंपेयर किससे कर रहे हो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वाई का फॉर्मूला उसका स्टैंडर्ड यही बनेगा, ठीक। तो हमने सभी पीरियोडिक मोशन का एक जनरलाइज सॉल्यूशन निकाल लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब स्प्रिंग मास सिस्टम मूव हो रहा होगा या मैं आगे पीछे मूव हो रहा हूँ तो स्प्रिंग मास सिस्टम के तो कोई एंगल नहीं बनते ना, मेरा भी कोई एंगल थोड़ी ना है, तो ये एंगल बीच में कैसे आ गया? तो ये एंगल आया जब आपने अपनी मोशन को कंपेयर किया विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां से आया। इसलिए इस एंगल को एंगल नहीं बोलते इस चैप्टर में, इसको क्या बोलते हैं? फेज। क्योंकि एंगल तो ज्योमेट्री के एक्चुअल एंगल्स होते हैं, ये एक्चुअल एंगल तो है नहीं, ये तो इमेजिनरी हमारी अजम्पशन है। हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी पीरियोडिक मोशन को सर्कल के साथ और सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है, तो सर्कल के एंगल को क्या बोलते हैं इमेजिनेशन में? फेज। ये फेज कवर हो गया। फायदा क्या है इसका, ये देख लो। सिंपल पेंडुलम में ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। सिंपल पेंडुलम में अगर आपका पेंडुलम यहाँ पे है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पे, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय फोर, चलो किसी को नहीं पता कि कैपिटल टी बाय फोर पे पेंडुलम कहाँ होगा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, फॉर्मूला यूज करो ए साइन ओमेगा टी, स्मॉल टी क्या पुट करो कैपिटल टी बाय फोर, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टी, टी से टी क्या हो गया कैंसल, टू और फोर कैंसल करके पाई बाय टू, साइन 90 क्या होता है वन, चेक करो वाई क्या आ रहा है ए, इसका मतलब फॉर्मूला सही है और आना भी यही चाहिए। टी बाय फोर पे डिस्प्लेसमेंट क्या आनी चाहिए, इक्वल टू एम्पलीट्यूड। फिर चेक करो, मान लो यहाँ पे समय क्या हुआ, स्मॉल टी क्या हुआ, इधर से इधर जाने का टाइम, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से, पेंडुलम की मोशन हमेशा राइट से लेफ्ट चलती है, ठीक है, ऐसे नहीं चलती, चल सकती है पर हम नहीं चलाते, बाय डिफॉल्ट यहाँ चलाते हैं। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम टी बाय फोर, फिर वापस आने का टाइम टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर, फिर इधर जाने का टाइम टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर, यानी कि थ्री टी बाय फोर। तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ, थ्री टी बाय फोर। तो यहाँ पे चेक करना चाहते हो वाई की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा टी में स्मॉल टी को पुट करो थ्री टी बाय फोर, ओमेगा का मतलब टू पाई बाय टी, टी से टी कैंसिल, टू से फोर कैंसिल। मेडिकल के लोग याद कर लें, चाहे साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस वन है, याद भी क्या कर लें, बस समझ लें, तो आंसर माइनस ए। तो मतलब मैं आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि बड़ा काम का फॉर्मूला है। आप इस वाई के जनरलाइज फॉर्मूला में स्मॉल टी जो भी पुट करोगे आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, सही है। तो आपकी बुक्स यहाँ से स्टार्ट करती हैं और काफ़ी टीचर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि चलो कोई भी पीरियोडिक मोशन है उसको कंपेयर कर लेना विद एन इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन पीछे की हिस्ट्री समझ में आ रही है क्या है, नहीं तो आप उसको विजुलाइज कभी नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक। तो ये क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन आएगा। मान लो ये तो वेरिफिकेशन है, मैं अपनी तरफ से करके दिखा रहा हूँ, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये। तो क्वेश्चन है कि बताओ पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, और ये बताओ कि मीन पोजीशन से स्टार्ट होने पे एट टाइम कैपिटल टी बाय सिक्स पे वो कहाँ देखा जाएगा, उसकी वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में ओमेगा क्या है टू पाई बाय टी, और स्मॉल टी को क्या पुट करेंगे टी बाय सिक्स, कैपिटल टी बाय सिक्स, ओमेगा क्या है टू पाई बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसल, तो आंसर क्या आएगा पाई बाय थ्री, साइन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री बाय टू। एक मिनट में आंसर आ गया वाई का, कोई सोचना ही नहीं है इसमें क्या सही फॉर्मूला है। पेंडुलम छोड़ो, ये तो कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी सेम वैलिड है, कोई भी पीरियोडिक मोशन है उसमें ये जनरलाइज फॉर्मूला तो वैलिड है ही है, अगर कोई बॉडी कहां से स्टार्ट होती है फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। यहां तक क्लियर है?